दिन भर घूमने के बाद हम पहुंच गए शाम को तपोवन से त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट जाने के लिए हमने शेयरिंग ऑटो लिया, क्योंकि खुद के व्हीकल से जाओगे तो बहुत भीड़ रहती है, उसको पार्क करने में आपका सारा टाइम निकल जाएगा और आरती खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑटो वाले भैया को कुछ पैसे दिए और त्रिवेणी घाट पहुंच गए और उनसे पूछ लिया कि भाई घाट यहाँ से कितनी दूर है। घाट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि चारों तरफ भक्तिमय वातावरण हो रहा था, लोग बहुत थे, भीड़ बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का समय था, संध्या के समय में तो वैसे ही अगर वातावरण भक्ति में मिलता है तो और भी खुशी मिलती है। जैसे ही हम घाट पे पहुँचे तो सबसे पहले हमें दिखता है जय गंगा माँ। जय गंगा माँ बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ के काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत साफ़ सफाई थी चारों तरफ, बहुत शांति थी, बहुत सुकून मिल रहा था। भीड़ थी लेकिन साउंड जो है वो ज़्यादा नहीं था, अच्छा आ रहा था। जय गंगा माँ बस यही दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के समय हो रहा था, भीड़ काफ़ी थी। मैंने पहले तो सोचा कि यार हो सकता है आरती ख़त्म हो गई हो, लेकिन आरती ख़त्म नहीं हुई थी, वो स्टार्ट होने वाली थी। बस वैसे हम टाइम पे पहुंच चुके थे कि आरती टाइम, और वहाँ पहुँचने बाद भैया ने बोला कि यार पहले अपने पदवेश उतार के आओ फिर एंट्री करो। और यहाँ पदवेश उतारने के लिए आपको कुछ शुल्क नहीं देना पड़ता, वो सब व्यवस्था त्रिवेणी घाट पे कर रखी है। निःशुल्क आप यहाँ पे अपने पदवेश रख सकते हो और इजीली जब आओ आरती देख के तो वापस ले जाओ। हमने हमारे पदवेश यहाँ उतारे, फिर हम निकल पड़े वापस गंगा आरती देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्या बताऊँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। बहुत अद्भुत, बहुत ही दिव्य था ये मेरे लिए बहुत चमत्कारी लग रहा था यार, कितना अच्छा शाम के टाइम है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर जितनी जल्दी जाओगे ना तो आप अपनी सीट पहले ही बुक कर लो वहाँ के, फिर आप करीब से आरती देख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक जाती है, बहुत भीड़ है, पहले ही अच्छी जगह रोक लेती है। इसलिए सबसे पहले आप जाओ वहाँ और बुक कर लो अपनी जगह। वैसे बुक करने का मतलब पैसे वैसे नहीं देने, आपको इजीली जाके आप बुक कर सकते हो, इजीली जाके बैठ जाओ आसान जगह। वैसे सब जगह बैठने की अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पांडाल भरा हुआ था और आरती चल रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ वातावरण भक्तिमय था, ऐसा लग रहा था मानो कि ईश्वर स्वयं यहीं प्रकट होने वाले हो। बहुत अच्छा फील हो रहा था संध्या के समय, और आप आरती खुद भी कर सकते हैं दीपक लेके, जब आरती शुरू हो तो आप उतार सकते हो, ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के। और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, और अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई थी, आरती थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन भीड़ पहले से ही यहाँ बहुत थी। लेकिन जब आरती शुरू होगी तो पूरी आरती रिकॉर्ड की आप लाइव देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। इस शंखनाद की ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो चुका था, एक अलग ही रोमांचित होने वाला स्वर था ये, बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का समय था, कितना अद्भुत नज़ारा है, माँ गंगा के किनारे बैठे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि गंगा के घाट के ठाट तो निराले हैं, वाकई में बहुत निराले हैं। मैं तो कहता हूँ कभी आओ।
बाद हम निकल पड़े पैदल ही जानकी झूला से परमार्थ निकेतन के लिए। यहाँ से परमार्थ निकेतन की दूरी मात्र 1 से 2 किलोमीटर के बीच है, जो आप इजीली आ जाओगे। जैसे ही परमार्थ निकेतन पहुँचे, वाह, ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ आके तो एक अलग ही सुकून मिलता है। परमार्थ निकेतन को अभी पूरा लाइटिंग कर रखी थी, और हमेशा ही ऐसा रहता है, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। परमार्थ निकेतन तो मैं आता रहता हूँ, जब भी अगर ऋषिकेश गया तो परमार्थ निकेतन ज़रूर जाता हूँ। यहाँ की भी आरती बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ की तो मैंने देख रखी थी पहले भी परमार्थ निकेतन की, कितना अच्छा कर रखा है परमार्थ निकेतन को, देख लाइटिंग से। जय भोलेनाथ की, वाओ, भोले की जय, भोले की जय, भोले की, बहुत अच्छा है। यहाँ पब्लिक आती है, यहाँ होमस्टे वगैरह सब है, लेकिन मैं तो यहाँ अक्सर खाना खाने आता हूँ, और यहाँ खाना खाने से तो अलग ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा खाना मिलता है, 100 रुपये प्लेट, शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन प्याज के। बहुत पब्लिक आती है, और बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ खाना तो वाकई में बहुत लजीज मिलता है यार। अब मिर्ची ली और ये प्लेट लगा दी इन लोगों ने, और ये इतना टेस्टी खाना है कि मैं बता नहीं सकता। 5-स्टार होटल भी फैल है, घर जैसा खाना मिलता है यहाँ पे, जैसे घर खाना खा रहे हो ना वैसा खाना, एकदम शुद्ध, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के, बहुत अच्छा खाना। देख लो ये प्लेट में, ये सब मात्र 100 रुपये में मिलता है, लेकिन बहुत शुद्ध और सात्विक मिलता है ये खाना। मैं तो कहता हूँ जब भी आओ तो परमार्थ निकेतन खाना खा के ही जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है यार ये। खाना खाने के बाद हम पहुंच चुके थे राम झूला, और ये है राम झूला। रात्रि के टाइम, और कोई था नहीं, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। कुछ देर गंगा के घाट पे बैठे, क्योंकि यहाँ आओ और घाट पे नहीं बैठो तो फिर बात ही क्या है। शांति से घाट पे बैठे,